इधर खूंटी के तोरपा थाना से कुछ दूरी पर कॉन्टेंगसेरा में बालू का डंप स्थल पर अवधेश गोप के एक जेसीबी को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही जेसीबी चालक की डंडे से पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही बालू की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने फतवा जारी किया था, लेकिन फिर बालू की तस्करी चोरी छिपे कारोबार करने लगे। लोगों का आरोप है कि जेसीबी जलाने में प्रतिबंधित नक्सली संगठन का हाथ है। खूंटी एसपी अमन कुमार के मुताबिक जेसीबी में आग लगाने की घटना में पीएलएफआई का हाथ हो सकता है। जो मालिक था उनका कहना है कि वहाँ पे लोग मिट्टी फोड़ने गए थे, लेकिन उस क्षेत्र में जो अवैध बालू का कार्य है वो भी होता है, और इस संबंध में हम लोग भी अगले तक पुष्टि और वेरिफिकेशन जो है वो करेंगे। क्या लगता है सर, ये भी तो बालू कारोबारी में से ही है? देखिए, कारण क्या है, किस कारण से हुआ है, इसकी पुष्टि एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद ही होगी।